सहारनपुर रेलवे स्टेशन के पास स्थित शनिदेव मंदिर में गत 14 अक्टूबर को हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि चोरी की इस घटना को तपोवन रोड थाना रायपुर जिला देहरादून के रहने वाले सुल्तान ने अंजाम दिया था, जिसे पकड़ लिया गया है। जवानों ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है तथा उसके कब्जे से चोरी किए गए नाग मुकुट को बरामद कर लिया है। लगभग 2 किलोग्राम वजनी इस नाग मुकुट की कीमत लगभग 1 लाख रुपए आकी जा रही है। सुल्तान के कब्जे से एक तमंचा, 315 बोरे जिंदा कारतूस, एक पेचकस आदि कुछ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में सुल्तान ने बताया कि मंदिरों में चोरी करना आसान रहता है, इसलिए उसने मंदिर को अपना निशाना बनाया है। 14 अक्टूबर को ये थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत चौकी कैंप में एक रेलवे स्टेशन के पास मंदिर है, जिसमें शाम को एक वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसमें एक चोर जो नाग देवता है उनको चोरी करके वहां से ले गया था। उसके बाद इसमें स्थानीय पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया। इसमें CCTV भी काफ़ी ट्रैक किया गया। CCTV में ये भी देखा गया था कि ये जो चोर है वो बहुत होशियारी से नाग देवता को अपने बैग में रख के ट्रेन पकड़ के वो दूसरे उत्तराखंड की देहरादून और हरिद्वार की तरफ भी जाता हुआ दिखाई दिया। इसमें सर्विलेंस के माध्यम से हमने इसका पूरे मूवमेंट पे निगरानी रखी और जैसे ही ये वापस सदर बाजार थाना क्षेत्र आया, इसको तुरंत नाग देवता के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से अवैध तमंचा और चोरी के कुछ उपकरण भी बरामद किए गए हैं। इसमें जो अभियुक्त है इसका नाम सुल्तान अहमद है उर्फ अली, जो रहने वाला उत्तराखंड का ही है। और इस बताया जा रहा है, इसे पूछताछ की गई तो पता चला कि उत्तराखंड में और भी पुराने मुकदमे हैं जिसमें इसने मंदिरों में चोरी की है। क्या कहाँ भेजता था सर ये, क्या जो सामान है उसे कहाँ भेजता था चोरी करके, और पहला अपराधी की जांच क्या है? जैसे मैंने आपको बताया, अपराधी का इतिहास अभी उत्तराखंड से मंगाया जा रहा है और पूछताछ में पता चला है कि इसके द्वारा पहले भी 2 से 3 मंदिरों में ऐसी चोरी की गई है। और ये क्या करता था कि जहाँ भी हरिद्वार या देहरादून या आसपास के क्षेत्रों में जहाँ इसको कबाड़ी मिलते थे और जहाँ पे इससे ये माल बिकवा पाता था, वहाँ पे माल को बेच देता था। अभी भी ये माल जो लेके आया था सदर बाजार थाना क्षेत्र में, ये कबाड़ी को बेचने की फिराक में था और तभी पुलिस ने इसको पकड़ लिया। कारण क्या बता रहे हो चोरी करने का? अभी इसके द्वारा बताया गया है कि इसकी माँ का इलाज कोई चल रहा है, माँ की आंखों का इलाज चल रहा है, उसकी वजह से इसने उसी मजबूरी में इसने चोरी करी। कोई खास कारण सर मंदिरों में ही टारगेट करता था? इसके द्वारा बताया गया थोड़ा इजी रहता है मंदिरों में चोरी करना और इसी कारण ये बार बार वहाँ पे मंदिरों को ही टारगेट कर रहा है। कितनी कीमत है और कितने किलो का? ये करीब 2-2.25 किलो का चांदी से बने हुए नाग देवता हैं और इनकी कीमत कुछ इस मार्केट में 1.5-2 लाख की।